हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप सबको पता है कि कतर में बहुत बड़ा गेम फीफा वर्ल्ड कप 2022 में स्टार्ट होने वाला है। इसी दौरान कतर से बहुत सारे वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि इसी के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इससे पहले और आप सबके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। तो उस वीडियो में बहुत सारे दोस्त लोग हमको कमेंट किया है कि सर, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा कतर में, तो उस दौरान कितने दिन पहले कतर से बाहर निकाल दिया जाएगा वर्कर्स को। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, कि सच में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कितने दिन पहले वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर भी करें, और आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबको और वर्ल्ड में सबको पता है कि कतर में बहुत बड़ा गेम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। उस दौरान बहुत सारे टूरिस्ट जो यूरोपियन हैं वो कतर आने वाला है दोस्तों। उस दौरान कतर गवर्नमेंट का प्लान है कि कतर खाली करने के लिए। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक कतर गवर्नमेंट से कुछ ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है कि जब कतर में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो उस दौरान कतर से सब वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट से कुछ ऐसा न्यूज नहीं आया है, तो टेंशन लेने का बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा उससे 2 और 3 महीना पहले जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज है, ऑलरेडी दिया जाएगा सबको और इंफॉर्म किया जाएगा कि जितने भी वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन का काम 2 और 3 महीना के लिए पेंडिंग में रखेगा दोस्तों। आपको ये भी बता दूं कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो कतर में जितने भी जो कॉन्ट्रैक्शन का काम चल रहा है वो 2 और 3 महीने के लिए बंद करेगा। जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हो जाते तब तक के लिए बंद करेगा। उस दौरान जितने भी जो कॉन्ट्रैक्शन कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको घर पठा दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि जितने भी जो कतर में बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन कंपनी है वो सब अगर अपने वर्कर्स को घर पठाते हैं तो उस दौरान उसको 3 और 4 महीना का सैलरी भी देगा दोस्तों, और घर पठा दिया जाएगा, वो भी छुट्टी में, कैंसिल नहीं करेगा। दोस्तों, आप सबको टेंशन होगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं कि उसको टेंशन ऑलरेडी लग चुका है कि कतर अब तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाली है, हम सबको घर पठा दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको घर पठाएगा तो छुट्टी में पठाएगा दोस्तों, वैकेशन में, वो भी 3 और 4 महीना के लिए, और उस दौरान आपको सैलरी भी दिया जाएगा दोस्तों, अगर आपका कंपनी बड़ा है तब। बहुत सारे कंपनी जो कतर के अंदर है वो छोटा कंपनी जो सप्लाई का है, वो कॉन्ट्रैक्शन में जो काम कराता है, तो दोस्तों उसको उस कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है। अगर आपका कंपनी सप्लाई है, छोटा कंपनी है, तो वो आपको कैंसिल भी घर भेज सकता है, क्योंकि उस दौरान 2022 में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो जितने भी जो वर्कर से कॉन्ट्रैक्शन का जो छोटा है कंपनी या बड़ा है, सब काम बंद कर दिया जाएगा। और वो लोग का जो प्रोजेक्ट है 2022 से पहले, वो लोग का जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आप सब कोई क्लीनर है, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट में, आपको बता दे कोई मल्स में, तो वो लोगों को लिए टेंशन करने का कोई बात नहीं है, वो लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्लीनर जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो, जो मल्स में काम कर रहे हैं वो, किसी को घर भेजा नहीं जाएगा। सिर्फ जितने भी वर्कर जो कॉन्ट्रैक्शन में इधर काम कर रहे हैं वो सबको घर भेज दिया जाएगा, वो भी छुट्टी में 3-4 महीने के लिए। तो दोस्तों, ये टेंशन का कोई बात नहीं है, और आप लोग अभी से ही अपना HR से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वास्तव में ये जब न्यूज आते हैं, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होते हैं तो आप सबको घर भेज दिया जाएगा, कि वास्तव में इन्फॉर्म करेगा कि नहीं, अभी से आप लोग अपने HR से बात करके रखिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।